पहचान पत्र का जो बिल आया है, हाँ जी, हाँ जी, ये यहाँ से पास होकर के बना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यहाँ से दिस इज नॉट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने दिस इज द पावर ऑफ द, यहाँ जो विधानसभा के अंदर पॉलिसी बनी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बनी। ये आपने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं, 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 मैं आप थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक्ट को कभी नहीं कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको पढ़ देता हूँ। 16 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू होती है और वो भी परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी इशू करती है। मैं कहता हूँ कि वो अथॉरिटी के रूल्स इस हाउस के अंदर ना पेश हुए ना डिस्कस हुए, वो अल्ट्रा वायरस है। ये देखिए, वो नोटिफिकेशन गलत है, मैं तो ये कह रहा हूँ। विषय डिस्कस का है कि रूल्स जो बने हैं गलत है कि नहीं है। रूल्स देखिए हाउस के अंदर नहीं बनते, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई द गवर्नमेंट। नहीं नहीं, रूल्स हाउस के अंदर नहीं बनते, गवर्नमेंट शुड क्लियर द स्टैंड। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो आपने रूल्स बनाए, रूल्स या 16/4 को जो नोटिफिकेशन जारी की, एक बात बत्रा जी मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए बत्रा जी, एक मेरी बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। आज तक जितने भी बिल पास हुए हैं उनके रूल्स कभी हाउस के अंदर बने हैं क्या? कभी भी हाउस के अंदर बने हैं क्या? हाउस के अंदर बनते नहीं रूल्स, वो रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाती है, हाउस के अंदर पेश होते हैं, हाउस के अंदर ले होते हैं। हाँ, ले के अंदर डिस्कस करेंगे। नहीं, ले होंगे तो डिस्कस करेंगे ना जी, ले नहीं होंगे डिस्कस कैसे करेंगे? ऐसा है, देख, हाउस के अंदर जो रूल्स बनेंगे वो ले होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ले हुए कब हुए? नहीं नहीं हुए ना, यही तो इसी बात है, नहीं हुए। लेट द गवर्नमेंट स्पीक, लेट द गवर्नमेंट स्पीक काइंडली स्पीक, यू आर न्यूट्रल पर्सन। अगर नहीं, यू आर नॉट टू डिफेंड द गवर्नमेंट। नहीं नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। अगर रूल्स, देखिए, रूल्स बनने के बाद नो डाउट के वो ऑफिसर्स बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर, तो उसी के ऊपर तो सारा ढांचा है पीपीपीपी का, रूल्स यहाँ ऊपर तो ढांचा है सारा कुछ। इसकी अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि डेफर कर दो, उसके बाद दोबारा डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसको काइंडली डेफर, मेरा ये पॉइंट डेफर कर, सरकार जवाब दे दे कि उन्होंने जवाब क्यों नहीं पेश किए और उसके ऊपर सारा का सारा स्टेट का अपने परिवार पहचान पत्र बना दिए। रूल्स जो है वो बन के यहाँ पर आने चाहिए। बिल्कुल, मैं यही पढ़ रहा था। और जो अथॉरिटी भी रूल्स बनाएगी, जो नोटिफिकेशन देगी वो इस हाउस के अंदर पेश होने चाहिए। मैंने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है सर, मैंने परिवार पहचान पत्र को चैलेंज नहीं किया है। ये मैं सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, इस बारे में अब इतनी जानकारी तो बारीकी में नहीं है कि ले डाउन हुए कि नहीं हुए, लेकिन अगर नहीं हुए सुनिए नहीं, आपने अब पूछा है आपका आप बत्रा साहब सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा रूल्स बने कि नहीं बने, रूल्स बने हैं लेकिन यहाँ ले डाउन हुए कि नहीं हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है पता करके आपको, हाँ तो लेजिस्लेटिव काम है, तो अगर नहीं होंगे तो होंगे अगर नहीं हो, आज आपने विषय उठाया तो पता करके करेंगे ना, क्या बात है? अगर आपने नीरज जी बैठ, अगर आपने आज पूछा है, ठीक है आपने कहा जान में लाया है, अगर सरकार इसको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चेक करा लेंगे, अगर नहीं है तो अच्छा, जाएंगे। बत्रा साहब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूँ सदन को कि इसी सेशन के जो अगले 2 दिन हैं उसमें सारे रूल्स ले डाउन कर देंगे। ठीक, कर देंगे। क्यों, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, और क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, एक तरफ तो आप कह रहे रूल्स ले डाउन नहीं हुए, इशू तो डिस्कस हो रहा था स्पीकर सर, 84 का, काइंडली उस मोशन को एक्सेप्ट कीजिए, उस मोशन को डिस्कस कीजिए। देखिए, एक बात सुनिए, एक बात, जहाँ तक एक मिनट, जहाँ तक एक्सेप्ट करने की बात है वो आपने अपने आप ही बताया कि अंडर रूल 120 रेजुलेटरी पावर जो स्पीकर की है उसमें आपने कोई आप वी कैन रिजेक्ट हिम, यू कांट कंपेल यू कांट कंपेल। हरेक रूल्स के अंदर ये होता है कि स्पीकर की डिस्कशन है, है ना? नहीं, रूल्स के अंदर होता है, उसी रूल के ओपिनियन होता है,
उसके बाद रेजिड्यू पावर में होता है कि आप डायरेक्शन देंगे कि मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। कौन सी डायरेक्शन है? कौन सी डायरेक्शन तो दी है ना कि हमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाइए कि आप 84 का मोशन जो आप रिजेक्ट कर सकते हैं अपनी रेजिड्यू पावर के अंदर। किनके हक में कैसे कर दो? नहीं नहीं, आपने कहा है रूल्स जो है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले दो दिन के अंदर रूल्स जो है वो हाउस के अंदर आ जाएंगे। सफिशियंट है, सफिशियंट है। अध्यक्ष महोदय ये आप ठीक कह रहे हैं, कंपेल नहीं कर सकते हम, लेकिन नॉर्म्स क्या है, कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन तो यही है कि जो जो स्पीकर की रेजिडरी पावर्स है उसके अंदर एनी मोशन कैन बी रिजेक्टेड। ये जो आप लेकर क्या है वो तो पावर है आपकी। हाँ। पावर तो हमारे को सबको बाहर भेज सकते हो। नहीं नहीं नहीं, पावर ऐसा नहीं कर रहा। हाउस विदाउट अस दैट इज ऑल्सो विद इन योर पावर, लेकिन वो पावर कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, विवेक क्या है, क्या हमारी कन्वेंशन है, क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या है, क्या पर्पज हमारा है डेमोक्रेसी का? जब 84 का नोटिस दिया आप डिस्कशन से क्यों मना कर रहे हैं? डिस्कशन नहीं है, एक विषय उन्होंने रखा है कि रूल्स के अंदर जो नहीं 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 विषय और है, विषय और कॉन्स्टिट्यूशन आपने कहा आप विषय और है। 9-9 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फैसला है उसके खिलाफ है, इसमें लिखा हुआ है। विषय क्यों नहीं है? विषय और क्या है? आप डिस्कशन में आ जाएंगी सारी बात। आपने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप अलाउ कर दो, अलाउ कर दो, इसका मतलब तो एक मिनट जजमेंट है, आप अलाउ कर दो, उसको दिखा लेते होगा जो गवर्नमेंट जवाब दे देगी। आप दिखा लेते हैं अभी, यहाँ 84 है, दिखा लेते हैं। प्रधान पत्र का हाल ये है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी का परिवार पहचान पत्र बना है और उनको पेंशन के लिए रिकमेंड किया गया है और उन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंदर 1,80,000 अपनी इनकम दर्शाई है। यह है परिवार पहचान पत्र का लाभ। रोहतक के मेयर का परिवार पहचान पत्र बना है, उसके अंदर इनकम 1,80,000 दिखाई है, उसको रिकमेंड किया गया है कि उसकी पेंशन बनाई जाए। ये हाल है परिवार पहचान पत्र का। अध्यक्ष महोदय ऐसा मैं कह नहीं सकता। ये 2011 ऑन रिकॉर्ड 2000 कांग्रेस के शासन के समय ऑन रिकॉर्ड डेट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी जो बीपीएल का कार्ड बनवाए हुए थे, जब अखबार में छपी अगले दिन धड़ाधड़ इन लोगों ने बीपीएल कार्ड कटवाए, जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने बीपीएल के कार्ड बनवाए। शर्मा नीचे इनको बताते हुए, हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान उसमें अप्लाई करेंगे, वही करेंगे जिसका गलत है वही करेगा। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये जो भूषण प्रताप जी ने नाम लिए और मुख्यमंत्री जी ने फलाने का नाम लिया, राशन कार्ड या फलाने का, सवाल आज का है, आज के पहचान पत्र का है। जो आपकी पीपीपी चल रही है, ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूं, मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जांगड़ा, कोई उनने जान के नहीं किया, ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने, पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो हरियाणा का, हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप इसका। मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं, वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर, ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना, ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ, या एक पोर्टल और बना दो जो ऐसे काम किया, पोर्टल को बता दो, पोर्टल हर काम में पोर्टल, ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल चलाते रहेंगे? ये अब देखो तो आप कितनी गलतियां हैं, इससे जो है तो उसको हर बार ये आता है कि गलतियां सुधारी जाएं। किस एजेंसी के पास थी ये? सवाल आज इस बात का, किस एजेंसी ने गलती की, उसको क्या दंडित किया आपने, उसको कोई पेनल्टी लगाई,
मनमोहन जैसे आदमी का आप नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, रामचंद्र जांगड़ा का नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, उनको सजा दी? खिलवाड़ हो रही है ये। चलिए।